हेलो गाइस, कैसे हो? तो फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो कि ये मल्टीमीटर होता है वो मल्टीमीटर को चलाना आपको सिखाएंगे। बिल्कुल ही इस वीडियो को देखने के बाद जो आप है वो पूरा का पूरा मल्टीमीटर सीख जाएंगे एक ही वीडियो में। तो पूरा तक जब तक ये वीडियो एंड ना हो तब तक आप देखते रहे। तो मैं अभी डायरी के आपको शुरू कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है मल्टीमीटर, यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं और यहाँ पर तीन जो है वो प्रोब दिए हैं। यहाँ पर NPN और PNP लिखा हुआ है। तो आखिर यहाँ पर तीन प्रोब है तो यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन मीन्स के ग्राउंड। तो अभी हमें यहाँ पर दो इसके प्रोब जो यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कॉमन पे जो यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है ग्राउंड, वहाँ पर ये जो काला है उसको लगा देना है। तो इसको लगा देना, बाद में ये जो बचता है वो लाल है। यहाँ पर इन इसमें दो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी। लेकिन आपको कब यहाँ पर लगाना है और कब ये जो दूसरा है वहाँ पर लगाना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज लिखा हुआ है ओम लिखा हुआ है और मिली एम्पियर लिखा हुआ है। मीन्स कि यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर इस प्रोब को लगाएंगे तब आपको इस वाला सेक्शन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो एम्पियर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 10 एम्पियर लिखा हुआ है। जब भी आपको एम्पियर करंट मापना हो तब आप इस रेड वाले प्रोब को यहाँ पर जो है 10 एम्पियर लिखा है वहाँ पर लगा देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर ही रखना है। तो अभी मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पर फंक्शन लाइन बाय लाइन शुरू करता हूँ। तो पहले यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो वी लिखा हुआ है और यहाँ पर एसी साइन लिखे हुए है, जो कि इस साइन यहाँ पर ये बताती है कि अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग में उलट सुलट जो होता है वो वोल्टेज, वी मीन्स के वोल्टेज है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज मीन्स के हमारे घरों में जो बिजली आती है वो उसकी यहाँ पर वोल्टेज मापने के लिए आपको यहाँ पर जो ये एरो वाला है उसको यहाँ पर ले जाना है। यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है। 200 मीन्स के यहाँ पर आपको पता है कि 200 की रेंज में हमारा वोल्टेज है तो यहाँ पर ले जाना है, और 200 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ले जाना है। तो अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये बोर्ड है, तो इस दोनों को प्रोब को जो है वो हम कैसे भी लगा सकते हैं, उल्टी सुलटी चलेगी। तो मैं यहाँ पर इस प्रोब को डाल दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा वोल्टेज जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर 224-25 मिल रहा है, जो कि ये हमारा वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग से जो बोर्ड हमारा और जो हमारे होम अप्लायंस से चलते हैं उसका वोल्टेज है। तब इस वाला फंक्शन तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज मापने हैं। आप यहाँ से इधर आते हैं, बीच में यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ होगा, और यहाँ पर जो इसके वोल्टेज लिखा वी मीन्स के यहाँ पर वोल्टेज और वहाँ पर डॉट डॉट डॉट, जो ये साइन बताती है कि यहाँ पर वोल्टेज मापना है। लेकिन यहाँ ये जो साइन है वो डीसी वोल्टेज की है तो हमें डीसी वोल्टेज मापना है। डीसी वोल्टेज कैसे होते हैं? ताकि जो हमारी बैटरी सब होती है, बाइक की बैटरी हो या कोई भी बैटरीज हो, जो हम इसके वोल्टेज मापने होते हैं, जो कि हमारी सोलर पैनल होती है उसमें भी डीसी वोल्टेज आते हैं तो हमें उसमें भी डीसी ही मापना होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर रेंज दी गई है, आपको पता है कि इस जो बैटरी है उसकी रेंज इससे बाहर नहीं होगी, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना है। अगर आप ज़्यादा रेंज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो है एक्यूरेट वैल्यू के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा घटा देना है। तो मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 20 से बाहर नहीं जाएगी तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6-7 वोल्ट के आसपास में यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि हमारी बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है अभी इसलिए। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो ये हम जो सप्लाई है उसको कनेक्शन उल्टे करते हैं, ये सही हो गई। और अब मैं इसको जो उल्टा करता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जा रही है, ये बताती है कि आपने जो यहाँ पर कनेक्शन किए हैं वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव किए हैं और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव किए हैं।
तो आपको ये पहचानने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव वायर है और कौन सा नेगेटिव वायर है, इसीलिए यहाँ पर जो माइनस की साइन जो है वो आती है। तो अब आपको छोटे छोटे वोल्टेज चाहिए तो ये आप यहाँ पर इसको घुमा सकते हैं। अभी ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज का सेक्शन है वो भी खत्म हो गए, ऑफ का हो गया, और ये एसी वोल्टेज का हो गया। तो अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं, जो कि ये भी एक ही सेक्शन है, जो कि यहाँ पर ओहम लिखा हुआ है। ओहम मीन्स के रेजिस्टेंस, जो किसी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक में जो करंट का अपोज करे उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी साइन यहाँ पर ओहम है। तो रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस जो मीन्स के यहाँ पर करंट का जो है वो अपोज करे, करंट को जाने न दे, बहने न दे, उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो जहाँ पर इस बोर्ड को मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, इसीलिए यहाँ पर यह करंट नहीं दे, तो इसका ये रेजिस्टेंट हो गया जो इस बोर्ड का। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिकल में जो है वो रेजिस्टेंट इसी प्रकार का आता है, जो कि इसकी वैल्यू के हिसाब से होता है। तो हम इसकी वैल्यू को मापने के लिए यहाँ पर हमारे जो है वो मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। तो मैं इसकी वैल्यू को माप देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो 2.9 आ रहा है। मीन्स के मैं बार नीचे ले लेता हूँ इसकी एक्यूरेट वैल्यू के लिए 20 के में, तो यहाँ पर 0.97 मीन्स के 1 किलो ओहम की करीब बने है। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 ओहम, 1 किलो ओहम यहाँ पर के में सेट किया हुआ है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर 20 के है, तो यहाँ पर 1 किलो ओहम इसकी वैल्यू समथिंग है, तो आप ये जान सकते हैं। अब मार्केट में दूसरे भी रजिस्टर इस प्रकार के आते हैं, जो कि वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। तो मैं चलो आपको इसको भी दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 15.75 है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये इस प्रकार के भी रेजिस्टेंस आते हैं मार्केट में, तो इसकी भी मैं वैल्यू दिखा देता हूँ। शायद अभी ओपन हो गया है, नहीं दिखा रहा है, कभी कभी इसकी वैल्यू, क्योंकि तो हमने यहाँ पर इसके जो रेजिस्टेंट था उसको मापने के लिए भी हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया। अब बारी आती है यहाँ पर दिखे इस कुछ ट्राइंगल शेप के, और ऊपर ये जो है वो हल्की सी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर जो है वो आवाज़ की साइन भी लगी हुई है इस चीज़ की। तो ये जो चीज़ है, ये जो मोड है वो बहुत ही यूज़ आता है कहीं पर भी। तो इस मोड से हम बहुत सारे टेस्टिंग कर सकते हैं। पहले तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो जो यहाँ पर इसकी बजर है वो भी ऑन होगी और रीडिंग शो हो गई। तो हमें जब भी यहाँ पर किसी वायर हो, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास वायर नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कुछ वायर हो तो मैं इसको यहाँ पर माप सकता हूँ कि ये हमारा वायर जो है वो पूरी तरीके से सही है। अगर इस वायर को जो है आपको कहीं से भी ब्रेक हो, तो ये जो बिप की आवाज़ है वो नहीं आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वायर जो है वो सही है या खराब हो चुका है। तो हम पहला यूज़ इसका यही जाने कि यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पर हमारा जो कोई भी वायर या कंडक्टर जो है वो सही है या फिर नहीं, उसको जानने के लिए। अब देखते हैं इसका दूसरा यूज़। दूसरा यूज़ के लिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होता है किसी भी सर्किट में, तो कैपेसिटर को सही है या फिर नहीं इसको चेक करने के लिए, तो पहले मैं चेक करने के लिए इसको दोनों साइड को एक दूसरे का साइड बदलना होता है। पहले मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, बाद में इसको बदल देना होता है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते, ये जो कैपेसिटर है वो सही नहीं है। लेकिन अब मैं इसको दूसरा कैपेसिटर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीडिंग शो हुई और बाद में चली गई। तो मैं दूसरे के इसको प्रोब बदल देता हूँ, जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ देख सकते हो रीडिंग आने के बाद चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है वो सही है। अब जैसे ही इसके दोनों का साइड बदलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रीडिंग मिलने, बाद में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है वो सही है। अभी इस कैपेसिटर को जो शॉर्ट होगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पे कंटिन्यूटी आएगी, तो ये जो है वो खराब हो वो माना जाएगा। अब बारी आती है किसी भी ट्रांजिस्टर हो उसको मापने की। तो ट्रांजिस्टर को मापने के लिए
इसकी वैल्यू नहीं लेकिन सही है या फिर खराब हो चुका है उसके लिए यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूटी मोड का यूज़ किया जाता है। तो भी इसके सभी लेगों में ये जो है बार बार से चेक करना होता है बारी बारी से। तो एक छोड़ के अगर कंटिन्यूटी इसमें आई तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो उड़ा हुआ माना जाएगा, वो मीन्स के ये जो डैमेज है डैमेज माना जाएगा वो शॉर्ट सर्किट। तो अभी इसमें कोई नहीं है बिल्कुल ही अच्छे है, वरना जो ये जो कोई भी दो टांगों में चाहे कितने भी सारे अपन फिर के ले ले लेकिन कितने भी टांगों में ये कंटिन्यूटी आई तो आप ये आया नहीं है लेकिन यहाँ पर गया था तो आइए तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो उड़ा हुआ माना जाएगा मीन्स के खराब होगा। अब बारी आती है यहाँ पर इस साइड की जो कि पर कुछ सांप की तरह नजर आएगी आपको, वहाँ पर मैंने कर्सर रख दिया। तो ये जो है वो पल्स की साइन है, जहाँ पर भी हमारा एम्पलीफायर हो या फिर जो एयरफोन हो एयरफोन जैक हो उसको जब भी हम रिपेयर करते हैं वो ऑन है या ऑफ, तो इसके लिए हमें होम थिएटर हो उसके लिए इसकी जो चेक होता है उसमें यहाँ पर आप देंगे तो यहाँ पर आप टिक टिक की आवाज आएगी और आप जान सकते हैं। अब आता है यहाँ पर HFE मीन्स के यहाँ पर जो आता है वो इस वाले सेक्शन के बारे में आता है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है उसको इसकी वैल्यू चेक करने का और सही या फिर खराब चेक करने का। इस वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो है इसके लिए आता है और बाद में यहाँ पर 10 एम्पियर और ये जो जा रहे हैं वो एम्पियर है। एम्पियर को चेक करने के लिए हमारे पास ये जो प्रोब है रेड वाली उसको यहाँ से बदल देना होता है, जो इस वाली प्रोब में लगा देना होता है। और बाद में यहाँ पर आपको पता है कि इतने एम्पियर का जो है वो हमारा सर्किट है उसी हिसाब से आपको सेट करना होता है जो यहाँ पर से यहाँ पर ये जो DC एम्पियर बता रहा है। तो अभी आपको इसको चेक करने के लिए जो किसी भी डिवाइस हो उसको सीरीज में लगाना होता है दोनों प्रूफ। तो इसी प्रकार से इस जो मल्टीमीटर का है वो यूज हमने जान लिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।